जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मुस्तफ़ा जैदी की रिहाइश गाह पर, जो कि उन्होंने अपने अरसे तैनाती लिया में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तमीर करवाई थी 1955 के करीब के ज़माना में। मुस्तफ़ा जैदी कौन थे और यहाँ पर बतौर क्या खिदमत सर अंजाम देते रहे, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अंदाज हुसैन सरई लिखी, वो इस बारे में बतलाएंगे। जी मियाँ साहब, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमान शेख इकबाल हुसैन दानिश साहब का बहुत शुक्रिया। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सैयद मुस्तफ़ा जैदी की है रिहाइश गाह। SDM थे वो यहाँ पर, उन्होंने ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, हाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उन्होंने ये जनाबे वाला वीरा जो जर्मन नसाद थी उनसे शादी की और 1959 में उन्होंने वीर स्टेडियम का भी बुनियाद संगे बुनियाद रखा और वहाँ पर अपने दौर में 3 आल पाकिस्तान मुशायरे भी उन्होंने करवाए थे, जिसमें उन्होंने खुद भी कलाम पढ़ा था। एहसान दानिश, कतील शिफाई और बड़े बड़े शौरा पाकिस्तान के आए थे। उसकी रिपोर्ट हमारे पास डायरियों में वाले साहब हकीम फ़कीर मियां लई बशरई में मौजूद है और ये उनकी रिहाइश है। आजकल यहाँ खाना बदोश पठान रहते हैं। ये ज़िला काउंसिल के साथ है, गंदे कुएँ के बंद के साथ है, कमिश्नर बंगले के साथ है और सरकारी बाग के साथ है। तो अब ये बहुत उस वक्त की शाहकार कोठी है, अंदर से हमने पहले देखी थी लेकिन अब पर्दा नहीं हो सकता, रिहाइश है तो ये बाकमाल चीज़ है। और शाह साहब ने यहाँ बहुत तरक्याती काम किए जब तक वो ज़िला लिया में रहे, बाकी पूरे पाकिस्तान में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। 5 से 10 किताबें उनकी शायरी की आ चुकी हैं और कराची में उनका एक जो है ना हादसाती तौर पर उनका इंतकाल हुआ, वो किसी एक होटल में मुर्दा पाए गए। उनके मशहूर अशार भी हैं। हाँ, उनका मशहूर जो शेर जो उन्होंने फोर्ट मंदरू में तैनात थे डेरा गाजी खान में, एक शेर उन्होंने लिखा था, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कह किशान नहीं है। ये उन्होंने फोर्ट मंदरू में लिखा था और उस वहीं पर जब तैनात थे। ये आजकल गंदे कुएँ हैं और यहाँ पर जो है ना ये ये वाली इमारत आपके किसके ज़ेर तसर्रुफ़ है, किसकी मलकियत में है? ये ज़िला काउंसिल की, हाँ जी, ज़िला काउंसिल के पास है। आजकल खान साहिबान खाना बदोश यहाँ रहे हैं। अगर इसकी आरइश की जाए तो इसको टूरिस्ट के लिए एक खास मकाम बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है लेकिन इस तरफ किसी ने नहीं आना मेरा जहाँ तक ख्याल है। तवज्जो अदम तवज्जो के बैस ज़ाय हो रही है, कीमती इमारत है, इसको किसी मसरफ में भी लाया जा सकता है। अदम बेतवज्जाही और जो सुरैया को क्रॉस कर गई है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कल्चर TV LY, हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।